किस बात के दुख में है तू भाई? प्री बोर्ड्स के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते, हर जगह से सुन रहा होगा, मैंने खुद भी बोला है। और तेरी ज्यादा चांसेस है कि तू अब प्री बोर्ड में फेल कर चुका है या कर चुकी है, ठीक है? क्योंकि तुमने भैया बोर्ड्स के लिए तो पढ़ा नहीं अच्छे से, और प्री बोर्ड्स में भैया तुम पास हो गए फेल हो गए उसकी कोई चांसेस है नहीं। और स्कूल वालों ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपके प्री बोर्ड में कम नंबर आए या प्री बोर्ड में फेल हुए बच्चे तो एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं तुमको, बोल चुके होंगे। और इस वजह से तुम इस टेंशन में ज्यादा जी रहे हो कि मेरे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा रेदर देन कि मैं बोर्ड्स में कितना स्कोर करूंगा। तो ये वीडियो को नेगेटिव सेंस में मत लेना, ये वीडियो में मैं तुम्हारे वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्या तुम्हारे एडमिट कार्ड सही में लिए जा सकते हैं, क्या तुम्हारे मार्क्स घटाए जा सकते हैं, क्या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कट जाएंगे प्री बोर्ड्स में नहीं स्कोर करने से, और वो सारी चीज जिस चीज को बोल के तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें दबा के धमकाया है। और हाँ, आज एक क्लास रख रहा हूं रात के 8:30 बजे, अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसमें आ सकता है, और उसमें हम लोग 100 पीपल को ही अलाउ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, जिसमें कि आप आके मेरे से कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं 1-on-1 टॉकिंग के लिए। और एक दिल से निकलने वाली पर्सनल रिकमेंडेशन सभी जेईई एस्पिरेंट के लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आज लास्ट डे है क्योंकि कल से शुरू हो जाएगा तुम्हारा रैंक बूस्टर बैच जो कि है सिर्फ 2799 में। देखो, सब चीज को अगर पीछे रखे तो एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा बैच है यार जिससे कि तुम सभी लोग जो कि जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, या फिर जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो किसी कारणवश, इस बैच में 6 महीने तक ये बैच रहने वाला है। और अगर तुम इसमें PDN10 कोड लगा देते हो तो तुमको ₹420 पर मंथ पे ये बैच का एक्सेस मिलेगा। इस बैच में तुम्हारी जेईई की सिलेबस भी कराई जाएगी, तुमको डाउट सॉल्विंग भी कराई जाएगी, DPPs, तुम्हारी प्लानर बनाई जाएगी कैसे तुम अपनी जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। और मुझे पता है कि तुम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अभी होप खो दिया होगा यार, मैं जान रहा हूं ये बात, बट क्या भैया होप खोना एक सॉल्यूशन है? मेरे हिसाब से नहीं यार। व्हेन यू कैन डू इट, जब तुम्हारे पास चांसेस है, तो मेरे हिसाब से तुमको इस चांस को जाने नहीं देना चाहिए, और वो भी सिर्फ उस लिए जिसको तुम लिटरली अपनी पॉकेट मनी से भी अफोर्ड कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है यार, क्योंकि कल से यानी कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा रैंक बूस्टर बैच, और ये एक ऐसा बैच होने वाला है ना जो अगर कोई भी बच्चा मिस करता है जो कि एक जेईई एस्पायरेंट है ना, तो उसके लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि इसको लीड कर रहे हैं आशीष अरोड़ा सर और उसके साथ अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स जो मिलकर तुम्हारे लिए एक बैच लेके आए हैं। इसमें तुम्हारी सारी चीजें कराई जाएगी जेईई की प्रिपरेशन, और अगर तुमने जेईई का कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है ना और फिर भी तुम उस कॉलेज में जाना चाहते हो और ड्रॉप लेने का तुमको चांस नहीं लेना है, तो प्लीज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, फटाफट जाके इस बैच के लिए एनरोल कर लो, क्योंकि यार मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है? इस बैच पे मैं भाई बेट लगा सकता हूं कि इस बैच से पढ़ लेने वाला बच्चा कुछ ना कुछ तो जरूर क्रैक कर लेगा, इवन इफ ही हैडंट स्टडीड एनीथिंग येट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और स्पेशल डिस्काउंट अभी मिल रहा है, इसलिए आज के आज ले लो। अब बात करते हैं प्री बोर्ड्स की सच्चाई। देखो यार, मैं एकदम ऑनेस्टली बोलता हूं, अब भाई की तरह बात करते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऑनेस्टली बात करते हैं कि देखो, मैंने प्री बोर्ड्स के लिए, ऐसा नहीं समझो कि हमने नहीं दिया है जीवन में, 12th में मैंने दिया था, 10th में मैंने प्री बोर्ड्स दिया भी नहीं था, ठीक है? उस समय 10th में भैया आके हमारे स्कूल वालों ने पूरा बोल दिया, जो प्री बोर्ड्स देने नहीं आएगा वो कभी भी बोर्ड्स नहीं दे पाएगा, उसका बोर्ड्स का एडमिट कार्ड कैंसिल हो जाएगा, अगले साल फिर से देना है। हेलो सर, प्रिंसिपल सर, क्या हाल है? ठीक है? हाँ भाई, तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने 10th 12th भी दे दिया, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन में घुसने वाला हूँ। क्या ये बात सच होता है कि आप प्री बोर्ड्स नहीं अटेम्प्ट करते हो? ऐसा नहीं बोलूंगा कि प्री बोर्ड्स मत दो, प्री बोर्ड्स जरूर दो, प्री बोर्ड्स देना चाहिए, क्योंकि आज के रेट पे किसी का कोई भरोसा नहीं है भैया, कौन कहां पर कौन स्कैम कर दे, तो प्री बोर्ड्स जरूर दे दो। बट क्या प्री बोर्ड्स में अगर तुम स्कोर नहीं करते हो तो तुमसे तुम्हारा एडमिट कार्ड लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये कहीं भी नहीं लिखा है और ये किसी भी रूल में नहीं है कि तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम्हारी स्कूल रोक सकती है, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड विद CBSE, द फर्स्ट थिंग, दे कांट स्टॉप योर एडमिट कार्ड, एंड इन केस इफ दे ट्राई टू टेक सम मनी फ्रॉम यू, वो तुमसे बोलते हैं कि आपके बच्चे का, तुम्हारे पापा से बोलते हैं कि आपके बच्चे का प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आया है, इतना इतना रुपया लगेगा, आप दीजिएगा तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तुरंत फौरन CBSE के हेल्पलाइन नंबर पर जाके कंप्लेन डालो अपना, और उसके बाद भैया तुम्हारे स्कूल पे आ जाएगी बाधा। मुझे पता है उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, वो तुमको भी पता है, बट यस, एक बंदा अगर स्टेप नहीं लेगा तो वैसे ही कितने बंदे फ्री फंड का पैसा अपने स्कूल को देते हैं। मैंने बहुत ऐसे स्कूल को जानता हूं जिसने प्री बोर्ड्स के नाम पे काफी पैसे ऐठ लिए हैं बच्चों से कि आपके बच्चे का स्कोर नहीं हुआ है, इतना इतना रुपया लगेगा तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, क्योंकि हमें वहां भेजना पड़ेगा नंबर, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है? और यही जो है सबसे बड़ा स्कैम अभी चल रहा है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा भी ऐसा आता है कि प्री बोर्ड्स में खराब स्कोर करने के कारण तुमको तुम्हारे एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे, तो इस चीज को अभी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि प्री बोर्ड सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए ली जाती है, और हमारे स्कूल लिटरली प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 पता नहीं क्या करते रहते हैं। स्कूल पे तो सबसे ज्यादा गुस्सा पता है क्यों आता है? सबसे ज्यादा क्योंकि भाई
इनको सारा जो भी करना है ना, सारा जो भी करना है ऐसी चीज जिसकी जरूरत भी नहीं है, वो एग्जाम टाइम करेंगे। इनको एग्जाम टाइम सब याद आ जाएगा दुनिया का कि हाँ ये करना है, ठीक है। बेफालतू का प्रीबोर्ड वन प्रीबोर्ड टू बच्चों को स्कूल में लटका के रखें, इस टाइम जिस टाइम उनको सेल्फ स्टडी करके अपने बोर्ड्स के सिलेबस कंप्लीट करने चाहिए, जो बच्चा जीरो पढ़ा हुआ है वो क्या कर रहा है, स्कूल में जा रहा है और जाकर प्रीबोर्ड वन प्रीबोर्ड टू प्रीबोर्ड थ्री खेल रहा है। उसका सिलेबस थोड़ा भी कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है। तो राइट नाउ तुमको बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुमको किस चीज पे कंसंट्रेट करना है और क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हारे लिए प्रीबोर्ड्स के आए हुए मार्क्स जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो कहीं नहीं जुटेगा और जिसकी कोई भी डिमांड नहीं है, क्या तुमको लगता है कि ये तुम्हारे बोर्ड्स के वैल्यू से ऊपर है? प्रीबोर्ड्स तुम्हारा मान लो अगर आज से 5 दिन बाद होता है तो तुम इस 5 दिन को पूरी तरह से अपने प्रीबोर्ड्स के प्रिपरेशन में बर्बाद कर दोगे, जिससे तुमको लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तुमने भैया कुछ पढ़ा ही नहीं है, प्रीबोर्ड्स उनके लिए जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनको टेस्ट करना है, जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तुम इन दिनों को उसमें बर्बाद ही क्यों कर रहे हो? तुम इन्हें उसकी वैल्यू बढ़ा दी है, प्रीबोर्ड्स प्रीबोर्ड्स प्रीबोर्ड्स। लो भैया, बोर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स पे फोकस करिए। मैं सभी यूट्यूबर जो भी हैं यहां पर जो बच्चों को गाइड करते हैं उनसे मैं ये सविनय निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज बच्चों को बोर्ड्स पे फोकस करने बोलिए। प्रीबोर्ड्स स्ट्रेटजी, प्रीबोर्ड्स में कैसे नंबर लाएं, इस पे मत फोकस करिए, क्योंकि प्रीबोर्ड्स में नंबर लाके कुछ नहीं होता, ये हमें भी पता और तुम्हें भी पता है, वो कहीं नहीं ऐड होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो कि प्रीबोर्ड्स के चलते अगर अपना अभी समय बर्बाद कर रहे हो तो उस समय को बचाओ, क्योंकि वो समय अभी सबसे ज्यादा कीमती है। एवरी सिंगल डे दैट यू सेव, तुम अपने किसी भी चैप्टर का कम से कम 50% पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। और तुमको पता है कि अभी के टाइम पे तुम्हारे लिए सिलेबस कंप्लीटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन दीज थिंग्स, फॉर्मेलिटीज करने में समय बर्बाद मत करो और काम करने में समय पे फोकस करो। बस इतना ही कहने आया था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।